हेलो फ्रेंड्स, आगे हमने देखा था ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बीएससी मैथमेटिक्स के SM5 में ग्रुप थियरी के बारे में, उसमें हम आगे बढ़ते हुए हम आज कुछ ग्रुप के एग्जांपल्स लेने वाले हैं। एग्जांपल ऑफ ग्रुप, हम आज ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें हम लेते हैं, लेट जी बी अ सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल है हमारा, लेट जी बी अ सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर्स, नॉन जीरो रेशनल नंबर्स। स्टार इज डिफाइंड ऑन जी एस बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड एज defined of G as A star B is equal to AB by 2. Prove that G star is a group. Then prove that G star is a ग्रुप। हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, यहां पे जी स्टार को ग्रुप प्रूव करना है, और जी है हमारा एक ऑल द नॉन जीरो रेशनल नंबर्स, यानी कि जीरो के अलावा सारे रेशनल नंबर्स हो गए। और बाइनरी ऑपरेशन हमें यहाँ पे दिया हुआ है स्टार, और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी बाय टू। तो हमें प्रूव करना है जी स्टार इज अ ग्रुप, यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि अगर चार कंडीशन ग्रुप की सेटिस्फाई हो, और वो भी इस बाइनरी ऑपरेशन से, और ये कंडीशन का यूज करते हुए हमें इसे सॉल्व करना है। तो पहली कंडीशन हमारी है क्लोजर प्रॉपर्टी, फर्स्ट कंडीशन हम उसे नाम दे देते हैं जीवन। जीवन इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। पहले तो हमें मालूम होना चाहिए बच्चों कि नॉन जीरो रेशनल नंबर्स क्या है। रेशनल नंबर्स के बारे में हमें पता है कि उसमें पी बाय क्यू टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, पर यहाँ पे है नॉन जीरो, यानी कि जीरो के अलावा सारे के सारे रेशनल नंबर्स का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें चाहिए क्या, दो एलिमेंट्स हम वो डिराइव कर लेते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू जी में से हम लेते हैं, अगर हम ए और बी जी में से लेते हैं, और ए और बी दोनों नॉन जीरो रेशनल नंबर है, इसका मतलब यह हुआ कि यह ए एंड बी आर नॉन जीरो रेशनल नंबर्स, नॉन जीरो रेशनल नंबर्स। दोनों क्या है, नॉन जीरो रेशनल नंबर्स है। और अब हमें बताना है कि ए स्टार बी जी में आता है या नहीं। अगर हम ए स्टार बी फाइंड करें तो दोनों रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन बाय टू हमें आंसर मिलता है रिजल्ट, यानी कि ये जो फॉर्म है हमारा ए बी बाय टू, वो भी किस में आना चाहिए, जी में आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने दो रेशनल नंबर्स लिए, अगर हम कोई भी रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें आंसर उससे में मिलता है, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यह
ए बी इज, या तो फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि इफ एनी टू रेशनल नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, नंबर इज अगेन अगेन रेशनल नंबर्स, क्या होगा कि अगर हम कोई भी दो रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करें, यानी कि हम पी बाई क्यू टाइप्स के रेशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि अगर 2/3 है हमारे पास, उसका मल्टीप्लीकेशन हम 2/4 से करें तो हमें आंसर मिलेगा 4/, यानी कि 1/3 मिलेगा। तो ये 1/3 है, वो भी एक नॉन जीरो रेशनल नंबर से। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे लिख सकता हूं दैट इज ए बी इज रेशनल नंबर। इनसे हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ए बी बाय टू को क्या कह सकते हैं, दैट इंप्लाइज ए बी बाय टू इज ऑल्सो ऑल्सो रेशनल रेशनल नंबर होगा। हम ये कह सकते हैं ए बी बाय टू रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए स्टार बी फाइंड कर लें, ए स्टार बी क्या है हमारा ए बी बाय टू, वो भी क्या होगा जी में बिलोंग करेगा, यानी कि जो हमारा जी है, जी इज क्लोज्ड क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में जी क्या होगा हमारा क्लोज्ड होगा। ये है हमारी पहली कंडीशन, जो ग्रुप की कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर रही है ग्रुप के लिए। नाउ हम आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे देखते सेकंड कंडीशन हमारी जो है वो है एसोसिएटिविटी। सेकंड कंडीशन हमारी जी टू है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें प्रूव करने के लिए हमारे पास तीन एलिमेंट्स आई, और वो तीनों एलिमेंट्स नॉन जीरो रेशनल नंबर्स के होने चाहिए। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जी में से हम लेते हैं, वेयर हम बता देते हैं कि ए बी एस सी आर नॉन जीरो रेशनल नंबर्स। ये सारे क्या है नॉन जीरो रेशनल नंबर्स है, और इसके लिए हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव प्रूव हमें क्या प्रूव करना है ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि हमें बताना क्या है कि ये दोनों इक्वल है। बाय एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करते हैं कि ए स्टार बी हमारा है, उसका मल्टीप्लीकेशन हम सी से करें तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है। अगर ए स्टार बी है तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि अगर ए स्टार बी है तो उसके हम लिख सकते हैं ए बी बाय टू, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं ए बी बाय टू स्टार सी। तो देखो बेटे कि ए स्टार बी है तो हम
इसे इस तरह से लिख सकते एस बी बाई टू, यानी कि यहाँ पे दो एलिमेंट है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई टू। तो अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ए बी बाई टू स्टार से ही, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ए था उसकी जगह अब ले लिए इस ए बी बाई टू ने, यानी कि एन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई टू होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी बाय टू इंटू सी बाय टू हो जाएगा। तो हमको रिजल्ट मिलता है ए बी सी बाय फोर। नाउ हम राइट हैंड साइड से अगर यही फॉर्म ला देते हैं तो हमारा ये दोनों फॉर्म है वो इक्वल हो जाएगा। यानी कि राइट हैंड साइड से हम ट्राई करें कि ए स्टार बी स्टार सी बाय, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू, हम लिख सकते ए स्टार बी स्टार सी है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बाय टू इज इक्वल टू बी सी बाय टू। तो यहां से हो जाएगा ए बी सी बाय फोर, यानी कि ए इंटू बी सी बाय टू डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू ए बी सी बाय फोर। तो हमें इन दोनों से मालूम होता है कि therefore क्या रिजल्ट मिला हमें कि इसका वैल्यू भी हमें मिली है ए बी सी बाय फोर और इसकी वैल्यू भी हमें मिली है ए बी सी बाय फोर। therefore ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू हो गया हमारा ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि जो हमारा एलिमेंट्स है सारे के सारे वो क्या है एसोसिएट इन सी। therefore ऑल द एलिमेंट इन जी आर एसोसिएट, हर एक एलिमेंट्स क्या हो गए हमारा एसोसिएट होगा। इसे देख लो, पहली हमारी एक क्लोजर प्रॉपर्टी है और हमें यहाँ पे एक ऑपरेशन दिया हुआ है स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाय टू। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है तो हमारे पास दो एलिमेंट्स चाहिए। हमने डिराइव कर लिए लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, जी के अंदर है और ए एंड बी आर नॉन जीरो रेशनल नंबर्स। और हमें मालूम है कि अगर कोई भी दो नॉन जीरो रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करे तो वो क्या होगा अगेन रेशनल नंबर्स होगा। यानी कि हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं इफ एनी टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज अगेन रेशनल नंबर्स। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो दो एलिमेंट्स लिए थे ए और बी जी में, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा एक रेशनल नंबर मिलेगा। हमें चाहिए ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई टू, यानी कि ये जो पूरा रिजल्ट है ए बी बाई टू वो भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए, यानी कि ए बी बाई टू इज ऑल्सो रेशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्टार बी क्या है जी में बिलोंग कर रहा है और जी क्या होगा क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। बाद में आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम देखें तो यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे तीन एलिमेंट्स की जरूरत है तो वो जी में है और ए बी सी क्या है नॉन जीरो रेशनल नंबर है। इसके लिए हम प्रूव करेंगे ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। और यहाँ पे हमने वो दोनों प्रूव किया तो हमें दोनों का रिजल्ट सेम मिला, यानी कि दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये होता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी आर एसोसिएट अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, एसोसिएट अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब आगे हम थर्ड वाली कंडीशन प्रूव करते हैं। थर्ड कंडीशन हमारी क्या है ये बच्चों मैं यहां से दूर कर देता हूं। थर्ड कंडीशन हमारी है जी थ्री एग्जिस्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी।
अब यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा वो हमें मालूम करना है। तो वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू जी में से हम लेते हैं देयर एग्जिस्ट अ यूनिक और यूनिक आइडेंटिटी यूनिक आइडेंटिटी ई बिलोंग्स टू जी हमें मिलता है सच दैट क्या होगा ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या होता है ये हो जाएगा ए स्टार इज इक्वल टू ए बट ए स्टार इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है ए ई बाय टू इज इक्वल टू ए यानी कि ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इंटू टू ए बाय ए कैंसिल आउट यानी कि ई इज इक्वल टू हो गया टू। तो अगर हम बात करें कि जी स्टार कोई ग्रुप है नॉन जीरो रेशनल नंबर्स का और उसमें अगर इस कंडीशन को होल्ड करे वैसा आइडेंटिटी नंबर से ई इज इक्वल टू टू यानी कि यहाँ पे टू है पूरे के पूरे सेट में वो होगा हमारा आइडेंटिटी नंबर्स। दैट इंप्लाइज टू इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी ग्रुप जी टू हमारा क्या हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट्स होगा। नाउ हम लास्ट वाली कंडीशन का चेक कर लेते हैं कि अगर वो इनवर्स उसमें एग्जिस्ट है तो वो कौन सा है। तो हमें इनवर्स प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चे जी फॉर हमारी कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इनवर्स हम प्रूव करते हैं। इनवर्स के लिए हमारे पास अगर कोई एलिमेंट है लेट ए बिलोंग्स टू जी एंड ए इज अ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी हमें ऐसा कोई मिल रहा है ऑल द हर एक ए के लिए हमें एक ऐसा बी मिल रहा है सच दैट हम ऐसा कह सकते हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। पर आइडेंटिटी एलिमेंट्स हमारा यहाँ पे आगे हमें मिल चुका है टू यानी कि ई की जगह हम लिख देते हैं टू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी बाय टू इज इक्वल टू हमारे पास आ गया टू। तो हमें मालूम करना है कि B इज द इनवर्स ऑफ A यानी कि A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 बाय B क्या हो जाएगा 4 बाय B। तो इसका मतलब ये हुआ कि B जो हमारा है अगर हर एक A के लिए हमें ऐसा कोई रेशनल नंबर्स मिलता हो जो 4 बाय B टाइप्स का हो तो इससे हम कहते हैं इनवर्स ऑफ A। या तो फिर b by a कह सकते b is equal to 4 by a where b not equals to 0 where b not equals to 0। तो inverse of a is क्या हो जाएगा a का inverse 4 by B, A का इनवर्स क्या हो जाएगा 4 बाय B। या तो फिर B की जगह हम ले लेते हैं A, 4 बाय A जो हमारा इनवर्स एलिमेंट है।
यहाँ पे ग्रुप की चारों कंडीशन ऑल द नॉन जीरो रेशनल नंबर्स के लिए ट्रू होती। इसका मतलब हो गया कि ये जो हमारा ग्रुप है जी स्टार बाइन, या तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमारा जी स्टार है, इज अ ग्रुप, ये क्या हो जाएगा हमारा ग्रुप हो जाएगा। नाउ अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं ग्रुप का ही। एग्जाम्पल है लेट जी इज इक्वल टू आर माइनस माइनस वन सेट ऑफ ऑल रेशनल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स स्टार डिफाइंड ऑन जी, डिफाइंड ऑन जी एज ए स्टार बी इज इक्वल टू, हमें दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस ए बी ऑल, ए बी बिलोंग्स टू जी में है। प्रूव दैट जी स्टार इज एन अबेलियन ग्रुप, प्रूव दैट जी स्टार इज एन अबेलियन ग्रुप। यहाँ पे देखे बच्चों कि हमें दिया हुआ है कि G इज इक्वल टू जी में कैसे एलिमेंट्स है आर माइनस माइनस वन से वन, यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस वन, उस हर एक रियल नंबर्स में से माइनस एक नहीं लेना है, वो हमारा होगा G। और हमें बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, और यहाँ पे भी कंडीशन दी हुई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, और हमें प्रूव करना है कि जी स्टार इज एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप यानी कि हमें यहाँ पे फाइव कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, ग्रुप की चार और एक कम्यूटेटिव ग्रुप, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। नाउ लेट्स स्टार्ट, जीवन हमारे होगी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लेते हैं दो एलिमेंट्स लेट ए बी बिलोंग्स टू जी। अगर हम ए बी जी में से लेते हैं यानी कि आर माइनस माइनस वन में से, तो उसके लिए हमें बताना ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, यानी कि अरे रियल नंबर्स में अगर दो रियल नंबर्स का एडिशन करो और उसका मल्टीप्लिकेशन भी उसमें ऐड कर दे, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट को ही हमें बताना होता है कि अगर वो माइनस वन है या नहीं। अगर माइनस वन है तो जी में बिलोंग करेगा, नहीं यानी कि हमारा ग्रुप
यानी कि हमारी जो कंडीशन है वैसे हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप नहीं है। अगर माइनस वन इसमें बिलोंग नहीं करता तो उसके लिए हम आगे लिख सकते हैं। अभी हमें बताना है टू टू, हमें बताना है कि ए प्लस बी प्लस ए बी नॉट बिलोंग्स टू नॉट इक्वल्स टू माइनस वन। हमें क्या बताना है, ए प्लस बी प्लस ए बी इज नॉट इक्वल्स टू माइनस वन। अगर हम यहां पे देखें तो डिवाइड बाय बोथ साइड वन एंड टू, इसके थ्रू हम अगर एग्जांपल में लिखे कि ए और बी हमने जी में से ले लिया है कि माइनस वन नहीं है, तो माइनस वन के कोई भी दो एलिमेंट्स ले लेते हम फॉर एग्जांपल की, यानी कि यहाँ पे ले लेते टू और माइनस थ्री। तो इस कंडीशन का यूज करें हम कि टू प्लस माइनस थ्री यानी कि माइनस वन प्लस सॉरी माइनस सिक्स माइनस सेवन मिलेगा इसका आंसर, या तो फिर कोई भी आप नंबर्स ले सकते हो एग्जांपल के तौर पे। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि अगर हमें अगर इसमें से जी ले तो जी में से लेते हैं और माइनस वन नहीं है, तो हमारे ये वाला फॉर्म है वो क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, विच क्लोजर प्रॉपर्टी को अगर होल्ड करता है तो इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी हम फाइंड करें तो वो हमारा हो जाएगा जी में ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस ए बी चाहिए अगर कोई भी दो एलिमेंट्स हम लेते हैं तो उसके लिए। और इस यहां से हम ऐसा कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस ए बी हम करते हैं तो वो भी हमारा जी में होगा, इसका मतलब ये हुआ दैट इज ए प्लस बी प्लस ए बी नॉट इक्वल्स टू माइनस वन, वो माइनस वन के इक्वल नहीं होगा। सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जी ग्रुप जी इज ग्रुप जी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। हमने आगे की तरह ही अगर देखे तो यहाँ पे भी हमें ऐसा ही प्रूव करना है, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी। इसलिए हम यहां से लिख सकते हैं कि ए स्टार बी बिलोंग्स टू सी में बिलोंग करेगा, इसलिए ग्रुप जी है हमारा क्लोज हो जाएगा। नाउ हम आगे की कंडीशन चेक करते हैं जी टू एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव प्रूव करने के लिए हमारे पास तीन एलिमेंट्स चाहिए, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जी में से अगर हम लेते हैं तो उसके लिए हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। नाउ स्टार्ट करते हैं, अगर हम ए स्टार बी लेते हैं और उसका मल्टीप्लीकेशन सी के साथ करते हैं तो ए स्टार बी इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे ऐसा ये फॉर्म दिया हुआ है कि ए स्टार बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी, और उसका मल्टीप्लीकेशन हमें करना है स्टार सी से। तो यहाँ पे देखे हम तो एक ही जगह पे ये वाला फॉर्म आ गया, ए प्लस बी प्लस ए बी। तो इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि ए
प्लस बी प्लस ए भी तो हमारा है ही एक ही जगह, और दूसरा इसमें हम प्लस बी करते यानी कि प्लस सी हो जाएगा, प्लस ए बी यानी कि सी, ये पूरा के पूरे फॉर्म को मल्टीप्लाई है। इसके लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि सी इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। अब इसका सिंप्लीफिकेशन दे देते हैं हम, ए प्लस बी प्लस ए बी हमारे पास है, प्लस सी है, प्लस यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। तो यहाँ पे हमें मिला ये वाला फॉर्म, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। अगर हमें इसके थ्रू भी ऐसा ही आंसर मिलता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन है एसोसिएटिव वो होल्ड होती होगी बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन के लिए, यानी कि ए स्टार बी स्टार सी अगर हम फाइंड करें तो इसके लिए हम कह सकते हैं ए स्टार बी स्टार सी को हम लिख सकते हैं बी प्लस सी प्लस बी सी। अब इसके लिए हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी होगा, प्लस ए इंटू बी प्लस सी प्लस बी सी। तो यहां पे हो गए ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। तो यहां पे हमें मिलता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, यानी कि हमें दोनों का आंसर क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। दैट इंप्लाइज हम ये कह सकते हैं कि ए स्टार बी है, अगर उसका मल्टीप्लीकेशन हम सी के साथ करते हैं तो हमें आंसर में मिलता है ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि ऑल द एलिमेंट ऑल एलिमेंट इन ग्रुप जी, ग्रुप जी आर एसोसिएट अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, नाउ हम थर्ड वाली कंडीशन प्रूव करते हैं। थर्ड कंडीशन हमारी क्या कहती है, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए हम यहां पे लेते हैं लेट ए बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक यूनिक आइडेंटिटी ई बिलोंग्स टू जी सच दैट। क्या करना है बच्चों कि अगर ए कोई हमारा जी में है तो उसके लिए हमें एक ऐसा यूनिक आइडेंटिटी ई जी में मिलेगा कि उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। क्या लिख सकते हैं, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। यहां से हमें आइडेंटिटी इस ग्रुप के ग्रुप में जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमें मिल सकता है, यानी कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। ए स्टार ई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए प्लस ई प्लस ए इज इक्वल टू ए। तो यहां पे हो जाएगा ई प्लस इन दोनों में से ए कॉमन ले ले या तो फिर ई कॉमन ले लेते हैं, तो ई प्लस ए इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो।
अगर ई कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे हो जाएगा 1 + a = a - a 0 हो जाएगा, और e की वैल्यू हमें आ जाएगी 0, यानी कि 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी अंडर मल्टीप्लीकेशन। हमें मालूम है कि 0 मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, पर यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से वो 0 यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। देयरफॉर हम ऐसा कह सकते हैं कि 0 इज अ आइडेंटिटी एलिमेंट इन ग्रुप जी नाउ हम फोर्थ वाली कंडीशन देखते हैं। G4 हमारा क्या होगा? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर हम इनवर्स फाइंड करें किसी भी एलिमेंट्स का, तो उसके लिए हमें मालूम है क्या करना है। लेट ए बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक यूनिक इनवर्स। हमें एक ऐसा इनवर्स मिल रहा है बी बिलोंग्स टू जी में, सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 0, क्योंकि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट यहां पे आ गया है 0। अब यहाँ पे क्या कहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के जी के हर एक एलिमेंट्स के लिए हमें उसका एक इनवर्स एग्जिस्ट ऐसा करता होगा जिसके लिए हम यह कह सकते हैं ए स्टार बी इज इक्वल टू ई। तो हमें मालूम करना है इनवर्स, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ए का इनवर्स कौन सा है। अगर हमें ए का इनवर्स फाइंड करना है तो यहाँ पे हमें ए को सब्जेक्ट करना पड़ेगा। अगर ए को सब्जेक्ट करें तो ए प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी, और ए ब्रैकेट में 1 + b लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि ए हो गया हमारा माइनस बी डिवाइड बाय 1 + b। अगर हम ऐसा कहें कि ये जो है वो इनवर्स है पूरा का पूरा ए का, तो यहां से हम कह सकते हैं दैट इंप्लाइज इनवर्स इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए डिवाइड बाय 1 + a। हम क्या कह सकते हैं कि ए का जो इनवर्स है वो कौन सा होगा, माइनस ए डिवाइड बाय 1 + a। दैट इंप्लाइज इनवर्स एग्जिस्ट इन ग्रुप जी। अंडर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के लिए उसका एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नाउ हम लास्ट वाली कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन के बारे में डिस्कस करते, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला गया है कि अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है, यानी कि हमें कम्यूटेटिव बताना पड़ेगा। G5 अगर हमें कम्यूटेटिव बताना है किसी भी ग्रुप को, तो इसके लिए हम कह सकते हैं लेट
एबी बिलोंग्स टू जी, अगर एबी जी में बिलोंग करता है देन ए स्टार बी इज इक्वल टू, हमारे पास है ए प्लस बी प्लस ए बी, तो उसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बी प्लस ए प्लस बी ए, ये दोनों क्या है सेम ही है, तो ये तो हो गया हमारा बी स्टार ए बी प्लस ए प्लस बी ए। दैट इंप्लाइज ग्रुप G is commutative under multiplication. इसका मतलब हो गया कि G star is abelian ग्रुप। देख लो बच्चों सारा का सारा एग्जांपल, और इस तरह से हम इसके जैसे कई सारे एग्जांपल्स के गिन सकते हैं। हमें एक्सरसाइज में एक और ऐसा ही एग्जांपल दिया हो, उसमें चेंजेस ये है कि यहाँ पे प्लस की जगह है माइनस, अगर हम माइनस कर दे तो ये क्या ग्रुप होगा, या तो फिर अबेलियन ग्रुप होगा या नहीं, आप अपने हिसाब से चेक कर लो।